पर जेडीयू के बीच सीटों का गणित उलझ गया है। चिराग पासवान ने आज अपने सांसदों के साथ बैठक की, खबर है कि वो 40 सीटों से कम पर राजी नहीं हो रहे हैं। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मंगलवार को पीएम मोदी ने बिहार को 541 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर बड़ी चुनावी सौगात दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी लगातार सक्रिय हैं, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी के बीच तकरार नहीं थम रही। सोमवार को एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि नीतीश सरकार से जनता खुश नहीं है। दूसरी तरफ आज दिल्ली में एलजेपी के सांसदों और तमाम बड़े नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में तय किया गया है कि एलजेपी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी और उसकी रणनीति क्या होगी। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एलजेपी लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए है। चिराग पासवान साफ कर चुके हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी से है, जेडीयू से नहीं। ऐसे में अगर उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती तो वो अलग चुनाव लड़ने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हालांकि एलजेपी के वरिष्ठ नेता सूरजभान सिंह ने कहा है कि एलजेपी को अपनी पसंद की 20 सीटें चाहिए। जेडीयू के साथी में 123 सीट अभी विधायक है, वे उनके मन मुताबिक हो गए। बच गए 120 सीट, वे 120 सीट में 20 सीट हमको चाहिए मन मुताबिक। अंदर खाने की खबर ये भी है कि एलजेपी की महागठबंधन से भी बातचीत हुई है, यानी अगर एनडीए में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो चिराग पासवान बगावती तेवर अपना सकते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जल्द ही सीटों का मुद्दा हल हो जाएगा। हम बिहार के अंदर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए 243 सीटों पर चुनाव लड़कर एक भारी जीत दर्ज करने वाली है। इसके पहले चिराग पासवान 147 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की धमकी दे चुके हैं। जेडीयू ने भी एलजेपी के जवाब में जीतन मांझी को अपने साथ जोड़ लिया है। हालांकि मांझी का कहना है कि विवाद सुलझ जाएगा। हाँ, सीट आने की बात हो सकती है, उसके लिए हम लोग प्रयास रहते हैं। आज भी हम गठबंधन में इसीलिए हैं कि सीट कुछ ऐसा मिले जिससे हम लोग अपने पार्टी की मान्यता को बरकरार रखें। भाजपा में चिराग साहब को कितना सीट मिलता है उनको देखना है। बीजेपी जेडीयू जिस फॉर्मूले पर सहमत होते दिख रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी 105 सीट, जेडीयू 110 सीट, एलजेपी 25 सीट, हमको 3 सीटें मिलेंगी। लेकिन दिक्कत यह है कि एलजेपी 40 सीटों की डिमांड कर रही है। अब देखना यह है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान कब खत्म होता है और एलजेपी की रणनीति क्या होती है।